नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मुझे आप सभी के साथ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना है नीट 2019 और उसके काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर पहले ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं, जो है mcc.nic.in। यह ऑफिशियल वेबसाइट है नीट 2019 के 15% ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग के लिए। उसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग और दिल्ली का काउंसलिंग भी इसी वेबसाइट पर रहेगा। तो यहाँ पर काउंसलिंग स्कीम, काउंसलिंग शेड्यूल, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, कॉन्टैक्ट अस के बटन हैं। तो यह सभी बटन अभी कम्प्लीटली एक्टिवेट नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे काउंसलिंग नज़दीक आएगा, काउंसलिंग जो है वह 19 जून 2019 को शुरू हो जाएगी, तो उस टाइम पर यह सब डिटेल अवेलेबल हो जाएंगे। इस वीडियो में मुझे आपके साथ बस वो जो डिटेल पहले से अवेलेबल है वो शेयर करनी है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट डिटेल्स, काउंसलिंग के शेड्यूल जो है वह यहाँ पर अवेलेबल हो चुके हैं। पहले के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि काउंसलिंग का शेड्यूल कैसा होगा। दो राउंड रहेगा ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग के लिए, राउंड वन और राउंड टू। उसके बाद स्टेट कोटा के काउंसलिंग रहेंगे। स्टेट कोटा में राउंड वन, राउंड टू, काफ़ी सारे स्टेट राउंड थ्री और फोर भी कराते हैं। उसके बाद मॉपअप राउंड भी रहता है काफ़ी सारे स्टेट में। तो काउंसलिंग शेड्यूल जो है यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट का लिस्ट भी आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट कम्प्लीटली अपडेट नहीं हुई है, यहाँ पर अपडेट प्रोग्रेस में है। जितने भी इंस्टीट्यूट नीट 2019 के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उसका लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, तो जितने भी आपके डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, आपके आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और फिर अगर आप MCC से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन और कैंडिडेट लॉगिन। रजिस्ट्रेशन 19 जून से शुरू हो जाएगा ऑल इंडिया कोटा के लिए। तब आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके जो भी डिटेल है वहाँ पर भर देना है। काउंसलिंग की फ़ीस आपको भर देनी है। उसके बाद आप सभी कैंडिडेट को लॉगिन कर देना है जो जो फॉर्म भरे हैं। तो इतना सा इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।